एक आदमी को बवासीर हो गई। वो हकीम के पास गया तो हकीम ने कहा कि पूरे 10 दिन दवाई लगानी पड़ेगी। आदमी 5 दिन दवाई लगवाने जाता रहा। छठे दिन उसने अपनी बीवी से कहा, चलो आज तुम दवाई लगा दो। जब बीवी दवाई लगाने लगी तो उसने एक हाथ उसके दहने कंधे पर रखा तो आदमी ने पूछा, तुम्हारा दूसरा हाथ किधर है? बीवी बोली, इससे मैं तुम्हारी दवाई लगा रही हूँ। आदमी बोला, ये हकीम साला कैसे दवाई लगाते हुए अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख लेता है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से वादा किया हुआ था कि मैं शादी से 5 दिन पहले तुमसे ही करवाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया। शादी की रात जब लड़की के खून ना निकला तो दूल्हे को शक हुआ। उसने पूछा तो लड़की ने साफ बता दिया कि मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ ऐसा कर लिया है। उसके खावन ने सोचा कि जब उसने ये काम कर ही लिया है तो अब चलो बर्दाश्त ही बेहतर है, शोर उसको माफ कर देता है। लेकिन शादी के ठीक 9 माह के बाद जब उनके बच्चा होता है और वो बच्चा जब उसका बॉयफ्रेंड देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरे जैसा है, इसलिए ये मेरा बच्चा है। लेकिन शोहर कहता है कि ये मेरा है। लड़के का बॉयफ्रेंड अदालत में केस कर देता है। जज हुक्म देता है कि DNA करा के पता लगाया जाए कि बच्चा इन दोनों में से किसका है। शोहर इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं एक शख्स पर DNA करवाऊंगा अगर सारा खर्चा दूसरा शख्स उठाएगा। तो दूसरा शख्स इस बात पर मान जाता है और सारा खर्चा उठाने का वादा करता है, और वो सारे DNA के टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब DNA टेस्ट आता है तो पता चलता है कि वो बच्चा ना तो लड़की के इस बॉयफ्रेंड का है और ना ही उसके शोहर का, वो तो है ही किसी तीसरे का।